गरीबों को खिलाता था, तो अल्लाह ने उसको भी हराम कर दिया कि गरीबों को खिलाने के लिए सट्टा खेलने की जरूरत नहीं। इसमें यह बता दिया कि सूदी मामला, शराब, सट्टेबाजी कितने ही अच्छे उनवान से हो, बहरहाल हराम है, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। रिजसुन पलीद अमल है, रिजस कहते हैं पलीदी को, पलीद नापाक। फजतनिबूहू, इससे बचो। आज जो इंश्योरेंस का सेटअप चल रहा है ना, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ये सब सट्टेबाजी है। आप अपनी रकम दांव पे लगाते हैं, अगर हादसा हो जाए तो ज्यादा रकम मिल जाती है, नहीं हो तो वो रकम डूब गई। अब इसका कितना ही अच्छा मकसद क्यों ना हो, कुरान की रूह से ये हराम है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अच्छा मकसद मुशरिकीन का था। तो जीत के अपने ऊपर नहीं, गरीबों को खिलाते थे। तो यहां जब गरीबों पे खर्च करने की इजाजत नहीं है, सट्टे के माल को इस नीयत से सट्टा खेलने की इजाजत नहीं है, तो इंश्योरेंस की इजाजत भी इसलिए कि मैं अपने हादसे की तलाफी करूंगा या अपनी गाड़ी के नुकसान की तलाफी करूंगा, ये भी जायज नहीं है। और जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम काम का करना गुना है, उसमें ताउन भी गुना है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो मुलाजमत कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई क्या है, तो उनकी तनख्वाहें भी हराम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपने आयत पढ़ी, आपने आयत सुनी कि अल्लाह ने यहूदी उलमा को ये तंबी की है कि तुम अपनी कौम को हराम खाने से रोकते क्यों नहीं थे। तो भाई अगर हम भी नहीं रोकेंगे तो फिर हम में और यहूदियों के उलमा में कोई फर्क रहेगा? अगर यहूद के उलमा रोकते रहते तो आज यहूदी पूरी दुनिया में सूद खोर ना होते, क्योंकि कुरान में कल जो आयतें गुजरी उसमें साफ है वह अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हू, हमने बनी इसराइल को और यहूदियों को सूद खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन्होंने सूद खाना शुरू कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में सूदी निजाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं वो। तो इसलिए इन चीजों से इज्तेनाब करना चाहिए, अपनी आमदन को हलाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता बैंक में बाज मुलाजमतें ऐसी हैं कि उनके बारे में उलमा की दो राय हैं, बास के नजदीक जायज है, बास के नजदीक जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर सूदी बैंक में कोई ऐसा काम आपके जिम्मे लगता है जिसमें आप सूदी लेन देन में मुलविस नहीं है, बिल जमा करने की जिम्मेदारी है आपकी बस, और कुछ भी नहीं, या बैंक का चौकीदार है, उसका मतलब है पहरा देना, कोई डाका वाका ना हो जाए, तो इसमें फिर उलमा की दो राय है। वो क्यों है वो भी मैं बता देता हूं। बाज उलमा कहते हैं कि ये भी हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि ये काम तो जायज है, इसलिए कि जो रकमें पड़ी हैं उनकी हिफाजत करना तो एक जायज अमल है ना, काम जायज है, लेकिन बैंक जो उसको तनख्वाह देता है एक चौकीदार को, वो अपनी सूदी आमदन से देता है, प्रॉफिट से देता है, वो प्रॉफिट सूदी है। तो काम हलाल होने के बावजूद तनख्वाह चूंकि हराम से दी जा रही है, इसलिए हराम है। ये राय थी हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की। दूसरी राय है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो कहते हैं कि चौकीदार की तनख्वाह हलाल है। वजह उसकी ये है, वो ये कहते हैं कि बैंक अगरचे कहता यही है कि मैं अपने प्रॉफिट से दे रहा हूं, लेकिन बैंक अपना प्रॉफिट जो है ना सूदी, वो कोई अलहदा रखता नहीं है, वो एक ही हौज में सारे पैसे जमा होते हैं, और उसमें लोगों की बचतें ज्यादा हैं जो हलाल रकमें। आपने अकाउंट खोला अपने हलाल पैसों से खोला ना, तो अक्सर लोगों की आमदन चूंकि हलाल है, लिहाजा उसमें गालिब पैसा क्या है, हलाल, और थोड़ा सा उसमें सूद भी पड़ा हुआ है। तो शरीयत का मसला यह है कि